नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्ले स्टोर में कैसे किसी ऐप को सर्च करते हैं और प्ले स्टोर के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात करूंगा। ये प्ले स्टोर है मेरा, आप देख सकते हैं, ये देखिए प्ले स्टोर लिखा हुआ है। मैं प्ले स्टोर के अंदर था भी, अब फिर से अंदर आ गया। ये लिखा हुआ है सर्च फॉर ऐप एंड गेम, मैं यहाँ से गेम एंड ऐप को सर्च कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं सबसे पहले बात करूँगा कि कभी कभी एक समस्या होती है मुझे, मेरे पास बहुत सारे ऐप होते हैं और वो ढूँढने पे मिलते नहीं हैं तो, और इंस्टॉल रहते हैं तब भी नहीं मिलते हैं, और या कभी कभी अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं मिलता है ना, या कभी कभी हमें ऐप का अपडेट आ जाता है और मेरा अपडेट नहीं होता ऐप ऑटो, और उसे मैनुअल अपडेट करना रहता है, तो उसको कैसे कर सकते हैं। चलिए मैं एक ऐप का एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे क्रोम सर्च करता हूँ, CHROME क्रोम। क्रोम सर्च करने पे मुझे क्रोम मिल गया, ये ओपन दिखाई दे रहा है। यहाँ से मैं क्रोम को ओपन कर सकता हूँ क्योंकि मेरे में इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ ओपन दिखाई देता है। अभी ये इंस्टॉल ना होता तो यहाँ पे क्या दिखाई देता, इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देता। अब यहाँ अनइंस्टॉल नहीं दिख रहा है, वो ऑप्शन कहाँ दिखेगा, इस क्रोम को और एक बार ओपन करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से इस क्रोम को अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। ये दोनों ऑप्शन इम्पोर्टेंट हैं। अब इसमें एक ऑप्शन ये है कि इसका अपडेट कहाँ दिखेगा, कि जहाँ ओपन लिखा है यहाँ पे अपडेट लिखा रहता है, जब इसका अपडेट आता है। अभी ये मेरा अपडेटेड है इसलिए इसमें अपडेट नहीं लिखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।